जो है वो ज़्यादा ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, प्लस आपके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को डिस्कस करती है। इसका ओवरव्यू काफ़ी हद तक हो गया। अब हम लोग इसके लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट इंटरवेंशन। अब एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करना है आपने और उनसे रिलेटेड इंटरवेंशंस को सक्सेसफुल बनाना है। इंटरवेंशंस मतलब कि एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व किया और उसमें आपकी ओडी प्रैक्टिशनर है उसकी इंटरवेंशन होने जा रही है। एंड टू अंडरस्टैंड द थ्री प्री डोमिनेंट एप्लीकेशंस ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, प्री डोमिनेंट एप्लीकेशंस क्या हैं एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट की वो देख लेते हैं। अब जैसे ये एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट की प्री डोमिनेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अंदर एप्लीकेशन जैसे पावर का एक स्टेट है कि पावर आप कितनी एम्प्लॉयज को देंगे, कि पावर मतलब डिसीजन मेकिंग की पावर है। Extent to which influence and authority are pushed down into the organization, यानी कि कितने हद तक आपकी अथॉरिटी ग्रास रूट लेवल पर शेयर की जाती है, यानी कि क्वालिटी सर्कल्स जो बनाना है। लेबर को तो हम लोग कुछ समझते ही नहीं ना यहाँ पे, यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन लेबर को तो कुछ समझती नहीं, वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट समझती हैं कि वो आएंगे अपना काम करेंगे और अपने पैसे लेंगे, लेबर लेंगे, वेजेस लेंगे तो चले जाएंगे। ठीक है, अब उनको एक डिसीजन मेकिंग में शामिल करना एक बहुत बड़ा काम होता है और ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के बड़े डिसीजंस हैं और ये वही कर सकती हैं और वही ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज़ को परस्यू कर सकती हैं जो पावर के जो है कैरेक्टरिस्टिक वही ग्रास रूट लेवल तक ट्रांसफर करती हैं। जो स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं प्लस मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, मेच्योर होने के साथ साथ जो इंस्टीट्यूशन होते हैं। अब जो इंस्टीट्यूशंस की बात है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्टीट्यूशन कैसे बनती है और उसको हम लोग इंस्टीट्यूशन थ्योरी के थ्रू करेंगे। अब इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन का, कि एक्सटेंट टू विच रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड विद मेंबर्स। अब रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपकी इनोवेशन से रिलेटेड हो सकती है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स के पास होती है, वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। और अब वो कितने हद तक एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर होती है ये भी एम्प्लॉई एक्सटेंट है ना, यानी कि हम कितने हद तक अपने एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं। द नॉलेज एंड स्किल्स एक्सटेंट टू विच मेंबर्स हैव रेलिवेंट स्किल्स, जाहिर है कि अगर उनके पास स्किल्स होंगी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स या लीडर्स जो हैं वो उन स्किल्स के बारे में ओरिएंट होंगे और उनको पता होगा कि ये चीज़ें इस यानी कि लेबर इतनी काबिल है और इतनी स्किलफुल है कि उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जा सकता है। एंड द नॉलेज एंड अपॉर्चुनिटीज टू गेन दैम, और उनके पास इतना नॉलेज है और उनके पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं कि उन चीज़ों को वो शेयर कर सकते हैं। देन रिवार्ड्स एक्सटेंड टू विच अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिवार्ड्स आर टाइड टू इफेक्टिवनेस। अब जाहिर है कि आपने जब रिवॉर्ड सिस्टम्स की बात करनी है, जैसे मैं क्वालिटी सर्कल्स की बात कर रही हूँ, तो क्वालिटी सर्कल्स जब आपने बनाने हैं या कोई भी इनोवेशन लेके आनी है किसी एक प्रोडक्ट के अंदर या चीज़ों के अंदर, तो जाहिर है आपने उससे रिलेटेड रिवॉर्ड्स जब तक नहीं देंगे तब तक वो इनकरेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओवरऑल पैदा नहीं हो सकेगी कि आपने किन ग्राउंड्स के ऊपर काम करना है। अगर एक क्वालिटी सर्कल एक 10 लोगों का जो ग्रुप है वो आता है और आके एक प्रोडक्ट की इनोवेशन करता है और आपकी प्रोडक्ट बड़ी सक्सेसफुल रहती है एक पूरी मार्केट के अंदर, तो अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऑर्गेनाइजेशन की कि उनको रिवॉर्ड दें। अब वो रिवॉर्ड जो हैं वो एक्सटर्नल भी होते हैं वो इंटरनल भी होते हैं, और एक्सटर्नल में जिसमें उनके फ्रिंज बेनिफिट्स या वेजेस वगैरह होते हैं उनको इंक्रीज दिया जाता है, इंसेंटिव दिए जाते हैं, और इंटरनल रिवॉर्ड्स में उनकी अप्रिसिएशन है, उनकी मोटिवेशन है और उनको इंटरनली मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे और वेज को अपनाया जाता है। तो ये रिवॉर्ड्स हैं जो कि एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट के पार्ट्स हैं, एम्प्लॉय को जो हम लोग इन्वॉल्व करेंगे तो जाहिर है कि ये कुछ ग्राउंड्स हैं उनकी बेस के ऊपर ही एम्प्लॉयज़ को अपनी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाएगा। फिर एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट और प्रोडक्टिविटी का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इंटरेक्शन इंटरवेंशन जो कि इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन की बात करती है,
यानी इम्प्लॉई को इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व करेंगे अपने डिसीजन मेकिंग में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस के अंदर, तो आपकी कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाती है, देन इंप्रूव मोटिवेशन, इम्प्लॉयज़ बड़े मोटिवेटेडली काम करते हैं। जैसे हमने ऑथर स्टडीज़ में बात की थी कि जब इम्प्लॉयज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है तो वो मोटिवेटेड हो जाते हैं। इम्पोर्टेंस किसी भी इंसान को जब दी जाती है तो उनके अंदर मोटिवेशन का एलिमेंट पैदा होता है, और जो कि एट दी एंड उनकी प्रोडक्टिविटी में हमें नजर आता है। देन इम्प्लॉयज़ इम्प्रूव कैपेबिलिटीज़ हैं कि उनकी कैपेबिलिटीज़ ओवरऑल इम्प्रूव होती हैं, क्योंकि एक इम्प्लॉय जो कि एक फ्रस्ट्रेटेड होके और इस तरह से काम कर रहा है कि वो अपने सिर्फ काम को ख़त्म करने के लिए काम कर रहा है, तो उसकी मोटिवेशन का लेवल प्लस एक इम्प्लॉय जो कि इंजॉय करता हुआ और खुशी खुशी से जो काम करने की कोशिश कर रहा है, उन दोनों की मोटिवेशन का लेवल दोनों का डिफरेंट होगा, और ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स के ऊपर। तो इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो वो ये इम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इंटरवेंशन की ये यहीं से आती हैं, जो कि कम्युनिकेशन मोटिवेशन और कैपेबिलिटी की इम्प्रूव्ड फॉर्म्स होती हैं, और जो कि एट द एंड जो रिजल्ट देती हैं वो इम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी होती है। इसी तरह से सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ इम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट ऑन प्रोडक्टिविटी जो हैं वो भी यही है कि इम्प्लॉयज वेलबींग एंड सेटिस्फेक्शन उनकी इंक्रीज होती है। ज़ाहिर है कि जब आप उनको इंपॉर्टेंस देंगे उनकी सेटिस्फेक्शन टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन वो भी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और प्रोडक्टिविटी का भी इम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अट्रैक्शन एंड रिटेंशन दी जाएगी, इम्प्लॉयज़ के लिए अट्रैक्शन होगी और वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टे करेंगे, जो कि जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल भी फायदा होगा, देन प्रोडक्टिविटी ओवरऑल इंक्रीज होगी। देन इम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट की एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं, इसके अंदर पैरेलल स्ट्रक्चर आते हैं। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन एक रेगुलर ग्राउंड के ऊपर या फंक्शनल स्ट्रक्चर के थ्रू चल रही होती है, हायरार्कीज डिफाइंड होती हैं, लेकिन जब आप सोच लें जैसे उनको एक कॉन्सेप्ट पता चला कि इम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए, वो कुछ ना कुछ हद तक अपनी उनके साथ थोड़े से इम्प्लॉयज़ ले लेते हैं, यानी क्वालिटी लेबर में से एक लेबर सीनियर लेबर ले लेंगे और कुछ जूनियर या सीनियर मैनेजर या इम्प्लॉयज़ को ले लेंगे, उनका एक पैरेलल स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब वो मुकम्मल तौर पर इम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि एक पैरेलल स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ चलाना है कि इम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व किया जाए, और यानी कि आप सोच लें कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको एक नया नया पता चला है कि इम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करने से बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं, तो अब वो इसकी प्रैक्टिस करने जा रही है, थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करती है, कुछ लेबर को हायर करती है, कुछ लेबर को अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करती है, कुछ मैनेजर्स को, कुछ इम्प्लॉयज़ को अपने एक ख़ास तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेती है और उनको इंसेंटिव देने की करती है कि आप इंसेंटिव्स आपको दिए जाएंगे तो आप हमारे लिए कुछ नया प्रोडक्ट की इनोवेशन से रिलेटेड कुछ काम करें। तो ये पैरेलल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि चलते हैं, जिसके अंदर पावर का एलिमेंट बहुत लो होता है, इन्फॉर्मेशन का एलिमेंट मॉडरेट होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर की जाती है, कुछ नहीं की जाती, नॉलेज एंड स्किल्स भी उनकी मॉडरेट होती हैं, और इसके बाद रिवॉर्ड भी उनको इतने ज़्यादा नहीं दिए जाते, जबकि हाई इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ हाई है, पावर इन्फॉर्मेशन नॉलेज स्किल्स एंड रिवॉर्ड्स ये सब कुछ हाई है, देन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में भी बहुत हाई है। तो हाई इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो ज़्यादातर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी कहलाती हैं। तो पैरेलल स्ट्रक्चर्स की जब हम बात करते हैं तो ये वही हैं, ये आप लोग इसको स्टडी कर लीजिएगा। हाई इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये फ्लैट लीन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इनकी सारी चीज़ें हैं, TQM एप्लीकेशन हैं, डेमिंग्स के मॉडल्स हैं, ये हम लोग थोड़ा सा इसको अपनी इसी क्लास में हम लोग ख़त्म कर लें इसको, अगर आप मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दें 5 मिनट्स के अंदर ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब दोबारा से आ जाएंगे इधर 5 मिनट्स का ही काम। पैरेलल स्ट्रक्चर की जो एप्लीकेशन है इसके अंदर एप्लीकेशन स्टेजेस की जो हम बात करें, डिफाइन द पैरेलल स्ट्रक्चर्स पर्पस एंड स्कोप, यानी कि स्कोप उसका लिमिटेड होगा, और फॉर्म ए डायरेक्टिंग कमेटी के एक कमेटी बना ली है, और आपने कुछ लीडर्स की कमेटी बना ली है पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन में से, और उनको कहा है कि कुछ नए प्रोडक्ट की इनोवेशन से रिलेटेड कुछ बात करें या कुछ आइडियाज़ दें, देन कम्युनिकेट विद ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स, देन फॉर्म एम्प्लॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप्स, या हम लोग छोटे छोटे से ग्रुप्स जिसमें हम लोग अभी क्वालिटी सर्कल्स यानी फिलॉसफी को तो नहीं हमने इम्प्लीमेंट किया, लेकिन हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप्स बना दिए
कि आपको लगता है कि ये लीडर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ हमारी हेल्प कर सकते हैं, देन एड्रेस दी प्रॉब्लम एंड इश्यूज, और जो भी प्रॉब्लम एंड इश्यूज ऑर्गेनाइजेशन को है उनके साथ बात की जाती है, उनको उनके साथ डिस्कस किए जाते हैं, देन इम्प्लीमेंट एंड इवेल्यूएट दी चेंजेस, और उनको चेंजेस को चीज़ों को इवेल्यूएट किया जाता है। अब हाई इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो फीचर्स हैं वो एक तो फ्लैट होती हैं, यानी कि हायरार्कीज बहुत कम होती हैं। जब हायरार्कीज ज़्यादा होती हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग भी बड़ी इन्फ्लुएंस होती है, और ग्रास रूट लेवल पर उनकी कम्युनिकेशन भी बड़ी सफ़र करती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के साथ बात करने के लिए आपको कितने हफ्ते लग सकते हैं एक लेबर को या एक एम्प्लॉय को। तो ये फ्लैट होता है, यानी कि एक डायरेक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है वो उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी विद दी लेबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लीन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, यानी फ्लैट होगा, एक एम्प्लॉय लेबर एक लीडर होगा और उसके नीचे पूरी लेबर, जैसे उनके साथ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी। देन एनरिच वर्क डिजाइंस, और जब हम एनरिचमेंट की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा कंटेंट होता है, उसको हम लोग एनरिच्ड मटेरियल कहते हैं। तो यानी कि एक जो एम्प्लॉई है या ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं वो ज़्यादा काम कर रहे हैं और उनसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो एनरिच्ड है और इस फॉर्म में है कि वो इम्प्रूव्ड है और या उनको डिसीजन मेकिंग में चीज़ों के अंदर भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। देन ओपन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, जो जो भी इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की क्वालिटी उससे उसके फीडबैक और उससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वेज के थ्रू जो भी चीज़ें आती हैं तो उनको ओपन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के थ्रू इम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व किया जाता है। सोफिस्टिकेटेड सिलेक्शन एंड कैरियर सिस्टम्स, यानी कि उनके अंदर भी सोफिस्टिकेशन लाई जाती है सिलेक्शन और कैरियर सिस्टम्स में। देन एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, देन एडवांस रिवॉर्ड सिस्टम्स, पार्टिसिपेटिवली डिज़ाइन पर्सनल प्रैक्टिसेस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज उनको पार्टिसिपेट करवाया जाएगा, एंड कंड्यूसिव फिजिकल लेआउट्स, यानी कि एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, मैनेजर्स के साथ, लीडर्स के साथ बात करने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं, हेजिटेशन नहीं होगी। TQM एप्लीकेशन की जब हम स्टेजेस की बात करते हैं तो गेन लॉन्ग टर्म सीनियर मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड ट्रेन मेम्बर्स इन क्वालिटी मेथड्स, क्योंकि ये फील्ड है पूरी, इससे रिलेटेड जो भी मेथड्स होंगे अगर सिक्स सिग्मा की टेक्नोलॉजी को आपने इम्प्लीमेंट करना है तो उसकी भी पूरी एप्लीकेशन की प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्स सिग्मा की टेक्निक्स को चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। देन स्टार्ट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स, देन मेजर प्रोग्रेस, देन रिवॉर्डिंग अकॉम्प्लिशमेंट्स, देन डेमिंग्स जो हैं क्वालिटी गाइडलाइंस, ये असल में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के फादर या गुरु कहलाते हैं, जिनको हम डेमिंग्स कहते हैं। डेमिंग का ताल्लुक जापान से है और इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, ये 14 जैसे कायदाज़म के चौथा नुकात हैं, इसी तरह से डेमिंग के 14 क्वालिटी गाइडलाइंस हैं। और यानी कि हमने किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब क्वालिटी कल्चर को या क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो ये 14 प्रिंसिपल्स को हमने फॉलो करना है, जिस तरह से क्रिएट द कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस, यानी कि आपका जो पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का अगर क्वालिटी फोकस है तो उसकी कॉन्स्टेंसी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज उन्होंने सोचा है कि आपकी क्वालिटी पर्पस है आपका क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है तो कल उनका चेंज हो गया, तो यानी कि उनको लगा कि ये तो बड़ा मुश्किल है तो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल पर्पस ही चेंज हो गया। तो सबसे पहली बात है कि कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस है। देन अडॉप्ट न्यू फिलॉसफी, यानी कि जो हम न्यू फिलॉसफी की बात करते हैं ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है प्लस TQM है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के हर प्रोसेस और प्रोसीजर के अंदर टोटल क्वालिटी को लेके आना है, क्वालिटी को लेके आना असल में, एंड लोअर कॉस्ट परचेजिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि जो एक प्रैक्टिस होती है खास तौर पर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लो कॉस्ट परचेजिंग, यानी कि हमारी कॉस्ट अगर कम होगी मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारी ओवरऑल मटेरियल की या प्रोडक्ट की कॉस्ट या उसकी प्राइसेस लो होंगी। तो इस तरह के असल में चीज़ को डिस्करेज करना है जब हम लोग क्वालिटी की बात करते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ इम्प्रूव फॉर्म में आपको मटेरियल भी अगर इम्प्रूव फॉर्म में या क्वालिटी मटेरियल की जब आपको रिक्वायर्ड होगा तो उसकी प्राइसेस भी ज़्यादा होंगी तो कॉस्ट आपकी ओवरऑल ही ज़्यादा हो जाएगी। देन इंस्टीट्यूट लीडरशिप, और जो लीडरशिप है उसका उसको एक इंस्टीट्यूट की जब हम बात करते हैं तो हम उसको एक मेच्योर लीडरशिप की बात करते हैं, यहाँ पे आप ये समझ लें। देन एलिमिनेट एम्पटी स्लोगन्स, यानी कि आपने सादे स्लोगन्स नहीं लगाने, नारे नहीं लगाने, बल्कि आपने उसको काम के तौर पर और प्रॉपरली अंदर इन्वॉल्व होकर काम करना है।
यानी कि क्वालिटी सर्कल, एक क्वालिटी कल्चर की जब हम बात करते हैं तो हम हर चीज़ के अंदर क्वालिटी ही को देखेंगे, एंड इलिमिनेट न्यूमेरिकल कोटाज, और इसके अंदर भी यानी कि न्यूमेरिकल कोटाज में जिस तरह से परसेंटेज को हम लोग रिमूव करते हैं, इतने परसेंट ठीक हो गया, इतने परसेंट खराब हो गया, तो न्यूमेरिकल कोटाज को वो हम लोग खत्म करते हैं, क्योंकि हम लोग हर सिस्टम के हर चीज़ के अंदर हम क्वालिटी की डिमांड करते हैं, क्वालिटी को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। एंड इंस्टीट्यूट ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और ऑन द जॉब ट्रेनिंग की जाती है, रिट्रेन विगरसली उनको रिट्रेन किया जाता है, एम्प्लॉयज को ड्राइव आउट फियर, उनके फियर्स को खत्म किया जाता है, ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, और जैसे बैरियर्स होते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं करता ज़्यादा, ये कम करता है, उनके बैरियर्स को रिमूव किया जाता है, देन टेक एक्शन टू अकम्प्लिश ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक्शन लिए जाते हैं, देन इम्प्रूव प्रोसेसेस कॉन्स्टेंटली एंड फॉर एवर, और प्रोसेसेस को इम्प्रूव किया जाता है और हमेशा के लिए इम्प्रूव किया जाता है, देन सीज डिपेंडेंस ऑन मैस इंस्पेक्शन, यानी कि आपने एम्प्लॉयज को एम्पावर जब कर दिया तो उनके ऊपर इंस्पेक्शन जो है वो मुसलसल नहीं होगी, क्योंकि आप उनके ऊपर यकीन कर रहे हैं और आपको पता है कि जो वो काम कर रहे हैं वो आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए कर रहे हैं, तो मैस इंस्पेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये भी कम कर दिया जाता है, देन रिमूव बैरियर्स टू प्राइड इन वर्कमैनशिप। अब वर्कमैनशिप के अंदर आपने बैरियर्स, यानी ये जो प्राइड के बैरियर्स हैं, ये एक खास मैनेजेरियल लेवल है, और उसके कि ये स्टेज पहुंचेगी तो मेरी करियर की ये ठीक रहेगी, तो इन बैरियर्स को भी असल में ये रिमूव करने की बात करता है। अब जो सेवन डेडली सिंस वो कहते हैं, लैक ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस, जो सब यानी कि कहते हैं कि इसके बगैर तो आप क्वालिटी कल्चर लेके ही नहीं आ सकते ना, कि अब जब तक तो आपकी कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस नहीं होगा, एंड एम्फसाइजिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स एंड इमीडिएट डिविडेंड्स, आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स की तरफ जाएंगे जबकि लॉन्ग टर्म की तरफ नहीं जाएंगे, ओवरऑल अपने रेपुटेशन को नहीं देखेंगे, तो ये आपके ये डेडली सिन है। देन इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, मेरिट रेटिंग और एनुअल रिव्यू, इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस जो है आप उसको कर रहे हैं, मेरिट रेटिंग या मेरिट आपने बना दिया, आप ओवरऑल भी नहीं देख रहे, या एनुअल रिव्यूज की जब आप बात करते हैं, जो जिसमें एक्रीडेशन की जब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की एनुअल बेसिस के ऊपर, तो वो इसको भी डिस्करेज करता है, कहता है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन प्रोसेसेस को हमने देखना है कि एम्प्लॉय की ओवरऑल परफॉर्मेंस थ्रू आउट हर डे में क्या है और हर मंथ में क्या है, और यानी कि हम लोग उसकी एक साल की इवैल्यूएशन करने की बजाय हमें उसको मंथ्स और उसका उसका बिहेवियर थ्रू आउट द डे और थ्रू आउट द मंथ या वीकली भी देखा देखा जा सकता है चीज़ों को, क्योंकि हमने प्रोसेसेस को देखना है। देन मोबिलिटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट, यानी टॉप मैनेजमेंट एक जगह बैठ के सिर्फ डिसीजन मेकिंग नहीं कर रही, बल्कि वो मोबाइल किस्म के, वो हर लेवल पे जाकर काम कर रही है, बात कर रही है, रनिंग अ कंपनी ओनली ऑन विजिबल फिगर्स, और विजिबल फिगर्स के ऊपर सिर्फ अगर वो काम करते हैं, प्रॉफिट आ रहा जी बिल्कुल ठीक है, काम सही चलता रहेगा, तो ये भी एक डेडली सीन है कि हमने विजिबल फिगर्स के ऊपर नहीं जाना सिर्फ। देन एक्सेसिव मेडिकल कॉस्ट, इसके ऊपर भी यानी कि हमें मेडिकल कॉस्ट जो बियर करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं ज़्यादातर वो किसी न किसी जगह पर चले जाते हैं, तो आपने ये नहीं देखना कि उनको ये भी आपके लिए बहुत बड़ी कॉस्ट है, बल्कि आपने उसको इंकरेज करना है कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही दिए जाएँ। देन एक्सेसिव कॉस्ट ऑफ वारंटी, और आपने इन चीज़ों को कॉस्ट नहीं समझना, जो वारंटी के तौर पर आपने करनी है कि आपने कस्टमर की ओवरऑल सेटिस्फेक्शन का ख्याल रखना है। अच्छा, ये सारी पॉइंट्स थे, और जो कि क्वालिटी से रिलेटेड हैं,